ऐसा एक रेस्टोरेंट है जहां आने वाले ग्राहकों का स्वागत थप्पड़ मारकर होता है। उन्हें वेटर्स मारते हैं। थप्पड़ मारे जाने के कारण ही ये रेस्टोरेंट फेमस हो गया है। इसका नाम सचिहोकोया है। ये जापान के नागोया में स्थित है। रेस्टोरेंट आने वाले लोग थप्पड़ खाने के लिए पैसे देते हैं 300 जापानी एन, करीब 169 रुपए में। किमोनो पहने वेटर से थप्पड़ मारती है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार कई बार वेटरेस इतना जोर से थप्पड़ मारते हैं कि लोग अपनी सीट से ही नीचे गिर जाते हैं। इससे रेस्टोरेंट को फायदा हुआ है। रेस्टोरेंट को साल 2012 में खोला गया, लेकिन ये बंद होने की कगार पर था। इसी के बाद थप्पड़ मारने की शुरुआत की गई। जैसे ही स्टाफ ने लोगों का इन अनोखे तरीके से स्वागत करना शुरू किया, बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। थप्पड़ खाने के लिए लोगों की डिमांड इतनी बड़ी कि और अधिक महिला वेटर्स को नौकरी पर रखा गया। शर्त यही है कि थप्पड़ मारने वाली वेटर्स महिला होनी चाहिए। इस काम के लिए पुरुषों को नौकरी पर नहीं रखा जाता। अगर ग्राहक अपनी पसंद के वेटर्स के हाथों थप्पड़ खाने की मांग करता है तो उसे 300 बजाय 500 जापानी एन, करीब 283 रुपए देने होते हैं।